क्वेश्चन नंबर एट इज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना है हमने, वन से ए लिमिट है, और लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू सिक्स। तो इसको लिखते हैं लॉग एक्स एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन ओवर टू, इंटीग्रेट करने इज इक्वल टू सिक्स। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस वन ओवर टू को हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पावर में वन ऐड किया और वो डिनोमिनेटर में भी लिखा है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दोबारा इस यहाँ पे लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन ओवर एक्स होती है इज इक्वल टू सिक्स। रीअरेंज करते हैं, टू लॉग एक्स एक्स पावर वन ओवर टू माइनस ये वन ओवर टू है, टू न्यूमिरेटर में आ जाएगा माइनस टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के आगे वो एक्स की पावर वन ओवर टू माइनस वन हो जाएगी, दैट इज एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन ओवर टू इज इक्वल टू सिक्स। तो दिस बिकम, दोबारा इंटीग्रेट करते हैं उसको, टू लॉग एक्स एक्स पावर वन ओवर टू माइनस टू, इंटीग्रेट करते हैं एक्स की पावर वन ऐड करेंगे वन ओवर टू, और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे जी इंटीग्रेशन हो चुकी है इज इक्वल टू सिक्स। रीअरेंज करते हैं, टू लॉग एक्स टू लॉग एक्स एक्स रेज टू पावर वन ओवर टू माइनस फोर एक्स रेज टू पावर वन ओवर टू, और लिमिट इज वन टू ए इज इक्वल टू सिक्स। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स टू लॉग ए, अपर लिमिट इज ए, तो टू लॉग ए ए पावर वन ओवर टू माइनस फोर ए पावर वन ओवर टू, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इज वन, तो टू लॉग वन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस बिकम टू लॉग ए ए पावर वन ओवर टू माइनस फोर ए की पावर वन ओवर टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स। तो फोर राइट साइड पे चले जाए कि टू लॉग ए ए पावर वन ओवर टू माइनस फोर ए पावर वन ओवर टू इज इक्वल टू टू, डिवाइडिंग ईच साइड बाय टू वी गेट लॉग ए ए पावर वन ओवर टू माइनस टू ए पावर वन ओवर टू इज इक्वल टू वन,
तो दिस विल बिकम डिवाइडिंग ईच साइड बाय ए रेज़ टू आवर माइनस वन ओवर टू, या माइनस टू ए रेज़ टू आवर वन ओवर टू को राइट साइड पे ले जाए, लॉग ए ए पावर वन ओवर टू इज इक्वल टू वन प्लस टू ए रेज़ टू आवर वन ओवर टू, तो यहाँ पे डिवाइडिंग ईच साइड बाय ए रेज़ टू आवर वन ओवर टू वी विल गेट लॉग ए इज इक्वल टू वन ओवर ए रेज़ टू आवर वन ओवर टू प्लस टू, तो यहाँ से ए को सब्जेक्ट बनाते हैं टेकिंग एंटी लॉग, तो ln रिमूव हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू राइट साइड e के ऊपर पावर आ जाएगी वन ओवर a अंडर रूट प्लस टू शोन, ये शो करना था हमने, ये शो हो गया है। तो हम उस फंक्शन को मर्ज करके इस तरह लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ई की पावर वन ओवर ए अंडर रूट प्लस टू। तो साइन चेंज रूल यूज़ करते हैं, तो पहले नाइन पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ ए, तो एफ नाइन फाइंड करते हैं, नाइन माइनस ई की पावर वन ओवर अंडर रूट नाइन प्लस टू। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे रेडियन मोड पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव 1.312 विच इज़ नेगेटिव। तो नेक्स्ट हम 11 पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ ए एफ 11, इसी तरह वो हमारे पास आएगा 11 माइनस ई की पावर 1 ओवर 11 अंडर रूट प्लस 2, इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 1.011 आ गया है, दैट इज़ क्लियरली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए ये साइन चेंज हो रहे हैं, तो साइन चेंज रूल को ये फॉलो कर रही हैं दोनों वैल्यूज़, साइन चेंज हो रहे हैं, तो सो दिस इज़ वेरीफाइड दैट रूट लाइज बिटवीन 9 and 11, वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूज एन आइटरेटिव फार्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट ए टू डिटरमिन ए करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो अब हम पार्ट बी की बेस पे, पार्ट ए की बेस पे हम आइटरेटिव फार्मूला बनाते हैं। आइटरेटिव फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए एन प्लस वन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ई पावर वन ओवर ए एन अंडर रूट प्लस टू, ये हमारे पास आइटरेटिव फार्मूला है। तो हम डिफरेंट आइटरेशन फाइंड करते हैं, फर्स्ट आइटरेशन वी विल टेक एनी सूटेबल वैल्यू बिटवीन 9 and 11, बिकॉज रूट लाइज बिटवीन 9 and 11, सो वी विल टेक अ सूटेबल वैल्यू दैट इज a1 इज इक्वल टू 9.5, ये हमने खुद सपोज की है। और सेकेंड आइटरेशन a2 हम फाइंड करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो वो a2 बनेगा, तो a2 हमारे पास आएगा e रेस पावर 1 ओवर 9.5, a1 की वैल्यू है
अंडर रूट प्लस टू इज इक्वल टू 10.2304 डेसिमल प्लेसेस में लिखा है हमने। A3 फाइंड करते हैं, e पावर 1 ओवर 10.2300 अंडर रूट प्लस 2, तो इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास 10.1012 आएगा। इसी तरह हम A4 फाइंड करते हैं, e पावर 1 ओवर 10.1012 अंडर रूट प्लस 2, तो ये A4 हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10.1212 आ जाएगा। A5 e की पावर 1 ओवर 10.1212 अंडर रूट प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 10.1181। एंड A6 हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 10.1181 अंडर रूट प्लस 2, तो ये हमारे पास आएगा 10.1186। तो ये देखें, 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर देना है हमने, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर सेम आने शुरू हो गए हैं, 0.118, 0.118। सो यहाँ से हमारा रूट जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा, वो अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस आएगा 10.12। तो यहाँ साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ वेक्टर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ वेक्टर। 2 लाइंस एल एंड एम हैव इक्वेशंस, 2 लाइंस हैं एल और एम, उनकी वेक्टर इक्वेशंस हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट है शो दैट एल एंड एम आर परपेंडिकुलर, हमने शो करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शंस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो लाइन एल की डायरेक्शन ये है, लाइन एम की डायरेक्शन ये है, तो हम इनका, इनके पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। 4-1, 3 डॉट -1, 2, 2, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं -4, -2, +6 और क्लियरली इट इज़ 0, हेंस वी कैन से दैट लाइन एल एंड एम आर परपेंडिकुलर्स, दिस इज शोन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ बोथ द लाइन्स इज इक्वल टू 0, हेंस लाइन एल एंड एम आर परपेंडिकुलर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो दैट लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट, स्टेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए हम जनरल पॉइंट लेते हैं, तो बोथ लाइन्स पे लाइन एल के ऊपर जनरल पॉइंट लेते हैं, लाइन एल के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी होंगे, तो वो हम आई जे और के कोएफिशिएंट्स को बोथ साइड्स पे कंपेयर करेंगे, तो लाइन एल के ऊपर जनरल पॉइंट आएगा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4s
वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2 माइनस एस, जेड कोऑर्डिनेट विल बी 5 प्लस 3s। तो इसी तरह हम लाइन M के ऊपर भी जर्नल पॉइंट लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस टी, y कोऑर्डिनेट माइनस 1 प्लस 2t, z कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 2 प्लस 2t। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन M, तो इनको इक्वेट करते हैं, 3 प्लस 4s इज इक्वल टू 1 माइनस t। ये दोनों लाइंस के x इक्वेट किए हैं, दोनों लाइंस के y इक्वेट करते हैं, 2 माइनस s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2t। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके s और t की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि माइनस 2t आ जाए, फिर ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6s प्लस 8s इज इक्वल टू 2 माइनस 2t। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं, 2 माइनस s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2t। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 प्लस 7s इज इक्वल टू 1। यहाँ से s हमारे पास नेगेटिव 1 आ गया है। अभी s की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इन दोनों में से किसी में पुट कर लें, s में पुट कर लें, तो यहाँ से t आ जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस टी। यहाँ से टी की वैल्यू 2 आ गई है। एस और टी की वैल्यूज हम ने फाइंड कर ली हैं। अब इन दोनों लाइंस के हम जेड कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करते हैं, 5 प्लस 3s, ये जेड कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L है, इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन M, वो है माइनस 2 प्लस 2t, माइनस 2 प्लस 2t। एस और टी की वैल्यूज पुट करते हैं, दिस विल बिकम 5 माइनस 3, राइट साइड पे माइनस 2 प्लस 4, तो दिस शोज दैट 2 इज इक्वल टू 2। तो हेंस लाइन दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, तो दिस शोज दैट लाइन बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट। Now we have to find the position vector of point of intersection. Point of intersection हम find करते हैं, हमारे पास general point on line L था, x is equal to 3 प्लस 4s, y कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस s, z कोऑर्डिनेट इज 5 प्लस 3s। तो यहाँ पे हम s की वैल्यू पुट करते हैं, तो x आ जाएगा हमारे पास
एस की वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव वन है, तो वह पुट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी माइनस वन, वाई कोऑर्डिनेट विल बी थ्री, जेड कोऑर्डिनेट विल बी टू, तो हेंस द पोजीशन वेक्टर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे माइनस वन थ्री टू, बट वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगा, उस पॉइंट को आई जे के फॉर्म में लिख देते हैं, तो दैट बिकम द पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस टू के, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एम इज वन ओवर थ्री फाइव अंडर रूट, इसको लिखते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये सपोज दिस इज द लाइन एम, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन से ये लाइन एम के ऊपर एक पॉइंट है, दिस इज वी विल टेक इट अ जर्नल पॉइंट, से दिस इज एन, दिस पॉइंट इज एन, दिस इज अ जर्नल पॉइंट ऑन लाइन एम, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ज़ीरो 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 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो क्लियरली ये लाइन एम और ओ एन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, हैंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन वेक्टर्स विल बी ज़ीरो, तो लाइन एम का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास है माइनस माइनस वन टू टू, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेते हैं ओ एन लाइन का, ओ एन की डायरेक्शन होगी, दोनों पॉइंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट एन इज़ अ जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन एम, तो जर्नल पॉइंट हमने पीछे फाइंड किया हुआ है पार्ट बी में, वो है वन माइनस टी, एक्स कोऑर्डिनेट है इस एन का, वाई कोऑर्डिनेट इज़ माइनस वन प्लस टू टी, जेड कोऑर्डिनेट इज माइनस टू प्लस टू टी, तो अब हम ओ एन की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इनको दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस टी माइनस ज़ीरो, माइनस वन प्लस टू टी माइनस ज़ीरो, ज़ीरो के सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने ये रिमेन्स द सेम, माइनस टू प्लस टू टी माइनस ज़ीरो, तो दिस इज़ ज़ीरो, यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं माइनस वन प्लस टी माइनस टू प्लस फोर टी माइनस फोर प्लस फोर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से नाइन टी इज़ इक्वल टू सेवन, और द वैल्यू ऑफ टी इज़ सेवन ओवर नाइन, ये टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब ये टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो एन हमारे पास पॉइंट जो होगा वो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, जब टी की वैल्यू सेवन ओवर नाइन पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट टू ओवर नाइन आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट फाइव ओवर नाइन आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट माइनस फोर ओवर नाइन आ जाएगा, तो अब हम ओ एन डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओ एन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, टू ओवर नाइन माइनस ज़ीरो होल स्केयर, फाइव ओवर नाइन माइनस ज़ीरो होल स्केयर प्लस माइनस फोर ओवर नाइन माइनस ज़ीरो होल स्केयर होल अंडर रूट, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास
आ जाएगा ओ एन इज इक्वल टू 4/81 प्लस 25/81 प्लस 16/81 होल अंडर रूट, तो दिस विल बिकम 45/81 अंडर रूट, तो दिस इज 1/3 5 अंडर रूट, ये हमने शो करना था, तो दिस इज द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 4x प्लस b, दिस इज पॉलिनोमियल इन x। u इज 1+2 आउटर एंड u इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये पी एक्स इज इक्वल टू 0 इसका रूट है, रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो हम u जो है वो 1+2 आउटर है, तो इन प्लेस ऑफ x एंड दिस पॉलिनोमियल वी विल पुट 1+2 आउटर, तो हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी पी एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 1+2 आउटर पुट करते हैं, पावर 3 ए 1+2 आउटर का स्केयर 4 1+2 आउटर प्लस बी, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्यूब 1+2 आउटर क्यूब को लिख लें 1+2 आउटर स्केयर इंटू 1+2 आउटर, तो ये बन जाएगा 2 1+2 आउटर स्केयर 1+2 आउटर प्लस ए 1+2 आउटर को एक्सपेंड करते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो बन जाएगा 1-4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 8 आयोटा प्लस बी, इसको भी एक्सपेंड करते हैं 1+2 आयोटा होल स्क्वायर दैट बिकम्स -3 प्लस 4 आयोटा, एक्सपेंशन करके सिंप्लीफिकेशन किए इनटू 1+2 आयोटा प्लस ए इनटू ये भी -3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 4 प्लस 8 आयोटा प्लस बी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 विद इन ब्रैकेट 11 -2 आयोटा बन जाएगा प्लस ए -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 प्लस 8 आयोटा प्लस बी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं -22
माइनस फोर आयोटा माइनस थ्री ए प्लस फोर ए आयोटा प्लस फोर प्लस एट आयोटा प्लस बी इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो जिसमें मीन दैट ये हमारी पी एक्स है इज इक्वल टू जीरो, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। जीरो मीन जीरो प्लस जीरो आयोटा, ये हमने खुद लिखा है ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट्स जिनके साथ आयोटा नहीं होता उनको ऐड कर रहे हैं, वो बन जाएगा माइनस एटीन माइनस थ्री ए प्लस बी। राइट साइड पे रियल पार्ट ज़ीरो है तो सो दिस इज़ ज़ीरो, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आयोटा वाली टर्म्स उनको ऐड करते हैं, वो फोर ए प्लस फोर हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव वन, और ये ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास बी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट अ सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट जो होगा वो कंजुगेट होगा यू का, सिंस यू इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा है, तो इसका कंजुगेट होगा सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट। तो यू का कंजुगेट जो होगा वो यू स्टार होगा, तो वो जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट होगा वन माइनस टू आयोटा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द रियल फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के रियल फैक्टर्स फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल के रियल फैक्टर, एक रूट हमारी पॉलिनोमियल का है वन प्लस टू आयोटा, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा। दूसरा रूट है हमारा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू आयोटा, तो इसको यूँ लिख लेते हैं एक्स माइनस वन माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस वन प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस वन माइनस टू आयोटा इंटू एक्स माइनस वन प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, ये देखें एक्स माइनस वन को ए कह लें और टू आयोटा को बी कह लें, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो आइडेंटिटी लग जाती है यहाँ पे, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस वन होल स्केयर माइनस टू आयोटा होल स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन फोर आयोटा स्केयर, दैट मीन माइनस फोर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो।
दिस शोज दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ आवर पी एक्स, पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो अदर फैक्टर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो पी एक्स को यहाँ लिखेंगे 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15। तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2x पे गया, तो 2x³ माइनस 4x² प्लस 10x, साइन चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 3x² माइनस 6x प्लस 15। अब ये 3 पे जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 15, तो साइन चेंज करके ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो अदर फैक्टर इज, रियल फैक्टर इज दिस, दिस इज अ रियल फैक्टर, तो हमने इसका रियल फैक्टर, फाइंड द रियल फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो ये हमारे पास दो रियल फैक्टर्स आ गए हैं, एक क्वाड्रेटिक है, एक ये है रियल फैक्टर, और दूसरा ये है रियल फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्केचिंग। हमने आर्गन डायग्राम बनानी है, शेड करना रीजन विच हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये दो इनक्वालिटीज दी हुई हैं, जेड माइनस यू इज लेस देन मोड इज लेस देन इक्वल टू 500, और दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/4π। इससे सर्कल बनेगा, यहाँ से सर्कल बनेगा, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हाफ लाइन। तो वो सर्कल देखते हैं ये कैसे बनता है। इसको आप लिखें z माइनस u को लिखें, z माइनस u इज 1 + 2 iota मॉडुलस वन माइनस 1 + 2 iota मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 500। तो ये सेंटर सर्कल का हमारे पास यहाँ से ये 1 2 जो होगा ये सेंटर है सर्कल का, और रेडियस हमारे पास आएगा अंडर रूट फाइव 2.23 समथिंग लाइक दैट। वो डेसिमल में 2.23 होता है तकरीबन। तो ये देखें राइट पे सर्कल बना हुआ है, उसका सेंटर 1 2 है, और रेडियस इज 500, दैट इज 2.23। तो दूसरा ये एसएन, ये एक लोकस ये सर्कल बन गया है, दूसरा लोकस स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती है आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन इक्वल 1/4π। तो इसको हम लिख सकते हैं
आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ज़ीरो प्लस, इस फॉर्मेट में लिखे हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू पाई बाय फोर। तो ये ज़ीरो ज़ीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये शो करता है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस हाफ लाइन का वो ज़ीरो ज़ीरो है, जो डायग्राम में क्लियर है। ज़ीरो ज़ीरो इज़ द स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हम एक लाइन बनाएंगे जो रेड से रेड कलर में बनी हुई है, वो पाई बाय फोर एंगल बनाएगी विद द रियल पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लाक वाइज वो पाई बाय फोर एंगल बनाएगी। वो पाई बाय फोर एंगल पे वो लाइन बन गई है पाई बाय फोर। तो दिस लाइन इज कॉल्ड हाफ लाइन, ये एक हाफ लाइन बन जाएगी। तो ये मेरा हमारा पार्ट हो गया, हाफ लाइन बनी हुई, इसको हाफ लाइन कहेंगे। एक एक लोकस हमारे पास ये सर्कल है, एक ये लाइन है जिसको हम हाफ लाइन कहते हैं, हाफ लाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देखें जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमारा वाई है। तो वाई की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी हमने, लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन वाई की लीस्ट वैल्यू। तो वो हम ऊपर वाली डायग्राम से फाइंड करेंगे। ऊपर वाली डायग्राम में शेडेड रीजन में जो लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई है वो क्या होगी, तो सर्कल के ऊपर लीस्ट वैल्यू हमारे पास ये होगी। इंडिकेट करता हूँ ये लीस्ट वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये यहाँ देखें, इक्वेशन सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो 1, 2 है। सर्कल की इक्वेशन में हमने एक्स को 1 पुट कर देना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, सेंटर 1, 2, रेडियस 5√। तो सर्कल की इक्वेशन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 5, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास वो सर्कल के ऊपर वाई की वैल्यू मिनिमम आती है। जब हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दिस बिकम 0, 0 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड वी गेट वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो वाई इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। तो फाइनली हम जस्टिफाई करेंगे, 2 प्लस 5 अंडर रूट आएगा या 2 माइनस 5 अंडर रूट आएगा। तो देखें ये लीस्ट वैल्यू जो है सर्कल पे देख रहे हैं आप, तो लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, तो सो हमारे पास वो नेगेटिव में आएगा बिकॉज पोर्शन ऑफ द सर्कल लाइज इन द नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फाइनली हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी वाई इज इक्वल टू
टू माइनस फाइव अंडर रूट. तो दिस इज द आंसर. दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.